वैसे ही बनाते रहो। चलिए एक नहीं, ड्रॉ तो कल कर लिए होंगे। इसमें देखो कल मैंने क्या बताया, ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में फैली हुई है, ठीक है, जो राजस्थान में फैली हुई, उसके बाद विंध्याचल श्रेणी तीन भागों में बटी हुई है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट नीचे कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पे ये चंबल का पठार है, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इस वाले एरिया के हम क्या बोलते हैं बताइए, पश्चिमी घाट, जो कि यहाँ पर कौन से घाट का निर्माण करती है, नीलगिरी घाट। फिर नीचे ये वाला कौन सा पहाड़ी था, नीचे वाला इलायची पहाड़ी था ना, और ये जो निकला वो इधर पालनी पहाड़ी, ठीक है। ये आंध्रगिरी में, आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, ये सब छोटे छोटे भाग में डिवाइडेड हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट है, ठीक है। यहाँ तक देखे थे, ये सह्याद्री पर्वत भी नाम से जाना जाता है, क्या कल बताया था, सह्याद्री पर्वत, ठीक है। इसके उत्तर में मैंने क्या बताया, तीन पहाड़ी हैं, गिर, बारदा, मांडव, ठीक है, गिर, बारदा, मांडव। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, कालसुबाई, कैसियत के बाई, मराठी में बाई बाई बोलते हैं लड़कियों को, बाई, ठीक है। तो कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र में है, और उसके जस्ट नीचे कौन सी चोटी है, महाबलेश्वर, कौन सी नदी का उद्गम, कैसे याद किए, क्रीम से याद किए थे, क्रीम खाने वाला, क्रीम, क्री से कृष्णा, म से महाबलेश्वर। फिर यही सह्याद्री चोटी में आपका कर्नाटक वाले एरिया में कौन सा चोटी पड़ता है, कुद्रेमुख, जस्ट उसके नीचे कौन सा, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम, ठीक है। इसके बाद देखा, ये जो घाट का निर्माण करती है, जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, उस घाट का निर्माण को क्या बोला जाता है, नीलगिरी घाट या नीलगिरी पर्वत। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा, दोदा बेटा चोटी, जस्ट इसके नीचे कौन सा है, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अनाई मुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये दूसरी और ये पहली। उसके बाद नीलगिरी घाट और अन्नामलाई के बीच में गैप है, जिस गैप को क्या बोलते हैं, पाल घाट दर्रा या पलक्कड़ गैप, ठीक है। इस नीचे कार्डमम पहाड़ी में एक दर्रा है, गैप है, उसको कौन सा दर्रा, शेनकोट्टा दर्रा। तो केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, एक आपका पाल घाट दर्रा और दूसरा शेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक दो यहाँ पे शहर मिलते हैं, इस तरफ मदुरई है, इस तरफ तिरुवनंतपुरम है, केरला का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का मदुरई। तो मदुरई से तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाला दर्रा कौन, शेनकोट्टा दर्रा, इतना देखे थे। इसके अलावा कुछ देखे थे, इसकी लंबाई क्या था, क्या थी, 1600 किलोमीटर, ये पढ़े थे, ठीक है, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैप का, उसके बाद बता दूँ, ये है क्या, कौन सी, अरावली श्रेणी, ठीक है। मैं बोला दक्षिण पश्चिम मानसून जब जाती है, अभी तक ध्यान दीजिए, इस पहाड़ी से टकरा के, पहाड़ी से टकरा के कैसे वर्षा करती है बता दिया था, ठीक है। ऊपर जब चढ़ती है ठंड के कारण, उस अपनी नमी को छोड़ देती है, बरसात होना चालू हो जाता है, तो यहाँ एरिया में बारिश होता है, बाकी पूरा गुजरात का एरिया सूखा पड़ता है। राजस्थान में भी यहाँ जो पर्वत है, ये मानसून की हवाएँ पैरेलली निकल जाती हैं,
आजू बाजू से समानांतर निकल जाती हैं, तो जो इस हिस्से में टकराती हैं बस वहीं पे वर्षा होती है, बाकी पूरा राजस्थान सूखा रह जाता है, इसलिए वर्षा नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी है और ऊपर वाला विंध्य श्रेणी, इसको मैंने बताया था विभा के है, कैसे जो भी बोलो। ठीक है, तो विभा, वी से विंध्य, भा से भांडेर और क से कैमूर। विंध्य जो श्रेणी है, विंध्यांचल की जो श्रेणी है, वो तीन अलग अलग श्रेणी में, तीन अलग अलग बड़े बड़े श्रेणी में बांटा गया है। उसको कैसे याद रखना, विभा के है, ठीक है, विभा क है। ठीक है, तो वी से ये विंध्य है, भा से भांडेर, क से कैमूर। ठीक है, फिर ये महादेव जो नीचे सतपुड़ा श्रेणी है, राजपिपला, महादेव और मैकल श्रेणी, अभी लिखाऊंगा पहले सुन लो, मैकल श्रेणी। ठीक है, राजपिपला, महादेव, मैकल श्रेणी, यहीं से इस दोनों के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण से कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा, नर्मदा नदी, बाकी सब तो पूर्व की ओर बह रहे थे। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल देखा था। ये क्या बनाया, ये है आपका चंबल का पठार, चंबल का पठार, जितने डाकू मिलते हैं ना चंबल के डाकू, वहीं वाले हैं। ठीक है, एमपी, हाँ, चंबल का पठार है, तो जितने चंबल के डाकू अभी तो सब सरेंडर कर चुके हैं, 1990-1995 शायद सरेंडर कर दिए थे। क्या होता है, इन लोगों को प्राकृतिक घर प्रदान कर देता है, जैसे नक्सलाइट देखोगे उतनी संख्या में थोड़ी ना ज़्यादा, 3,000, 4,000, 5,000 ये एस्टिमेटेड संख्या है, बट स्टिल उनको मार पाना, पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों, जंगल जाओगे तो आसपास ऐसा एरिया नहीं है कि वो 5 मीटर 10 मीटर, इतना घना जंगल रहता है, 5 मीटर 10 मीटर के बाद आपका विजन ख़त्म हो जाता है, और वो उस इलाके को चप्पे चप्पे को जानते हैं। ठीक है, तो यही आश्रय प्रदान करता था चंबल के डाकुओं को। ठीक, फिलहाल ये चंबल का पठार है, इससे चार नदी निकलती थी, मैंने बताया था, जो गंगा की सहायक नदी थी, या बोल लो यमुना की सहायक नदी थी, कैसे याद किए थे, चंबल। ठीक है, चंबल किसको मारेंगे, काली लड़की को कंबल डाल के मारेंगे, काली बत्ती देंगे, बेतवा, ठीक है, केन का चौक स्लैम, फिर टोन्स और सोन, तो चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और सोन। इसी चंबल में एक नदी अरावली पर्वत श्रेणी को काट के आती है, कौन सी नदी बताया था, बनास नदी बताया था, रिवाइज किया करो, बनास नदी इस तरफ से क्रॉस करके इस तरफ आती है, चंबल में मिलती है, और वो चंबल जाके यमुना में मिलती है। इतने सारे पॉइंट बताया था, कल लास्ट पॉइंट बताओ तो उसके बाद का बता दो आगे। शेन कुट्टा दर्रा, सॉरी, कोड़ाई कनाल, ओके, कोड़ाई कनाल कौन से राज्य में पड़ती है, कोड़ाई कनाल तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, आगे लिखिए, सब अलग अलग लिखोगे, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। चलिए, जो भी अपने मन से बता रहा हूँ, अब आगे लिखो, चलो, महाराष्ट्र में जो दो चोटी मैंने बताया, एक कौन सा आपका कालसुबाई, और एक कालसुबाई के नीचे एक दर्रा है, थालघाट दर्रा बोलते हैं उसको, थालघाट और भोरघाट, एक यहाँ पे दर्रा है जो मुंबई को किससे जोड़ता है, इधर नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, और एक इसके नीचे एक दर्रा है, एक उसके ऊपर दर्रा है, एक नीचे दर्रा है, एक मुंबई को नागपुर से जोड़ता है और एक मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये थोड़ा सा मैप में भले आगे आगे हो गया, मुंबई वहाँ जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, बट समझ जाना, दो दर्रे हैं महाराष्ट्र में। लिखो पहला थालघाट दर्रा, पॉइंट बना के लिखना, थालघाट दर्रा, नहीं नहीं पाली, हाँ उसके नीचे आगे थोड़ा सा दो तीन लाइन छोड़ के पॉइंट लिखना, थालघाट दर्रा, थाल, थाली वाला थाल, थालघाट दर्रा, बाजू में लिखना मुंबई से नागपुर थालघाट,
नेक्स्ट कितना, भोर घाट, भोर सुबह वाला, भोर भोर घाट। मुंबई से पुणे, और बाजू में लिख लेना NH4 जो मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है, सॉरी भोरघाट वाले में हो, NH4 ब्रैकेट में लेना मुंबई से चेन्नई, वहीं से NH4 भी जाती है। जब वो स्वर्णिम चतुर्भुज बताया था उसमें 2, 4, 5, 8 एक कालसुबाई के ऊपर है, एक कालसुबाई के नीचे है, बट मैप में ड्रॉ करने कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इतना क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अरावली पर्वत, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स, उसमें लिखना अरावली श्रेणी है, मैंने बता दिया इधर राजस्थान वाला जो दिख रहा है तेरा। पहला पॉइंट लिखना गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मजनू टीला, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मजनू टीला, मजनू टीला, दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। तो अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ तक फैली हुई है, कौन से राज्य में फैली हुई है? गुजरात में भी, ना सिर्फ राजस्थान में है बल्कि गुजरात में भी है ना। ठीक है, तो गुजरात से, गुजरात के पालमपुर लिखा रहा हूँ, मतलब गुजरात में भी फैली हुई है, थोड़ा बहुत दिल्ली भी जाता है। ठीक है, लेकिन अधिकतम लंबाई पूछे अरावली का तो वो राजस्थान मिलता है। नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम जो लेंथ है, अधिकतम लंबाई राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अधिकतम लंबाई राजस्थान में है। अब जैसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी देखे थे, गंगा नदी देखे थे, गंगा को गंगा भारत में बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जा रहा है पद्मा हो जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, देन जमुना, देन मेघना, अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जो पर्वत पहाड़ श्रेणी है अरावली खास करके, उसको भी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण राजस्थान में अरावली को जरगा पहाड़ी कहा जाता है, जरगा पहाड़ी, अरावली को जरगा पहाड़ी कहा जाता है, जरगा पहाड़ी, ज ज जग वाला ज, जरगा, हाँ पहाड़ी। और दिल्ली में दिल्ली रिज, जरगा ऐसे जरगा, और दिल्ली में दिल्ली रिज। माउंट आबू कहाँ स्थित है मालूम? माउंट आबू राजस्थान में, ये अरावली पर्वत श्रेणी में है। लिखो अरावली की सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक, अरावली की सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू के पास है,
राजस्थान के माउंट आबू के पास है। माउंट आबू है ना, आ आबू आबू। तो जो गुरु शिखर है वो क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में भी और स्पेसिफिक जाओगे तो माउंट आबू है, वहाँ पे माउंट आबू के पास दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, फेमस सुनोगे। नेक्स्ट लिखना, पहले ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहले ये वलित पर्वत था, अब ये वलित वलित व वलित 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 पर्वत था, अब ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत है। पहले फोल्डेड माउंटेन था, अवशिष्ट को शायद रेसिजुअल बोलते हैं, रेसिजुअल माउंटेन। अवशिष्ट, अभी फोल्डेड और अवशिष्ट क्या होता है, जैसे पहाड़ों की ऊंचाई देख के ये ज्ञात किया जाता है कि वो कितनी पुरानी है कितनी नहीं। कैसे, तो ऊपर हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, यहाँ से जब नदी बहती है तो क्या है, पूरे शिलाखंड को, पत्थर को, पहाड़ को काट काट के उसका मिट्टी कंकड़ पत्थर सब बहा के नीचे लाते जाती है, ठीक है। तो नदी है, जितने सालों से बहेगी धीरे धीरे काट काट के इसको ऐसे बराबर करते जाती है, स्लोप उसका और नीचे होते जाता है। उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि वो नदी पुरानी है, वो पहाड़ पुराना है कि नहीं। ज़्यादा ऊंचाई पे है मतलब पहाड़ अभी अभी बना हुआ है, अभी अभी मतलब ऐसा 2-3 साल में हिमालय खड़ा नहीं हो गया, वो कंपेरेटिवली पुराना और नया है ना, तुलनात्मक रूप से पुराना और नया की बात कर रहा हूँ। तो दक्षिण भारत में सब पहाड़ चोटी है, अभी बताया था 2600 के आसपास ये उसकी दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है, 2700-2800 है, जबकि वहाँ 8848, ये देखे 8611, ये सारी ऊंची चोटी देखे। उससे अनुमान लगाया जाता है कि हिमालय बहुत पहले नहीं था, अभी अभी का है, और ये सब बहुत पहले का पर्वत है, पुराने हो चुके हैं। तो हिमालय नया पर्वत बोला जाता है, फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है, फोल्डेड मतलब ऊपर उठा और फोल्ड हो जा रहा है, ठीक है, फोल्डेड। अरावली पर्वत श्रेणी भी ऐसी थी, बट समय के अनुसार धीरे धीरे बहुत पुराना था, उसको नदियाँ काटती गई और नदियाँ खुद सूख गई, ठीक है, और उस पहाड़ को छोटा कर दी, ठीक है। तो अब ये अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है, अवशिष्ट बचा हुआ, ठीक। तो पहले ये फोल्डेड माउंटेन था हिमालय की तरह, हिमालय की तरह फोल्डेड माउंटेन था, बट ये अवशिष्ट पर्वत है। इतना क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बनास नदी अरावली को, बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व पार करती है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। पूछे कौन सी नदी अरावली पर्वत को काटती है, पश्चिम से पूर्व जाती है, तो आपका बनास नदी, चंबल नदी में मिलती है बनास नदी, और चंबल खुद जाके यमुना में मिलती है। इतना क्लियर था, ठीक है। नेक्स्ट सब हेडिंग डालना, प्रायद्वीपी पठार। प्रायद्वीपी पठार पॉइंट लिखना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पार्ट ऑफ अ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, हाँ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना
गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह अफ्रीका से टूट कर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, अफ्रीका से टूट कर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। प्रवाहित हुआ है फ्लो, अब कैसे प्रवाहित हुआ है बताता हूँ। मैंने बोला धरती के नीचे अलग अलग प्लेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेट हैं, खाने पीने थाली वाला प्लेट नहीं, बड़े बड़े प्लेट हैं। तो ये चट्टान बहुत हजारों लाखों साल पहले टूट के अलग हुए। तो बोला जाता है जो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है वो अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है, ठीक है। ये गुजरात से लेके इधर पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है नीचे, इसको पेनिनसुलर एरिया बोला जाता है। ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा अफ्रीका से टूट के अलग हुआ है। उसको जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, अगर उसकी मैप की आकृति देखोगे तो जुड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे अब रिसर्चर्स का मानना है टूट के अलग हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, ये अफ्रीका से टूट कर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। तो उत्तर अफ्रीका का उत्तर पूर्व इधर होगा, तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, उधर जाके सेटल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ना, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा नहीं आते, भूकंप ज़्यादा नहीं आते। अर्थक्वेक क्यों नहीं आते, देखो जैसे उत्तर भारत की बात की जाए, हिमालय है, उत्तर भारत में हिमालय है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी उत्थान हो रहा है ना, 8848 से 50 हो गया, 2 मीटर कहाँ से बढ़ गया, अभी भी ऊपर उठ रहा है। तो जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है सबके सब अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, मतलब अनस्टेबल है, ठीक है, हिलता डुलता रहता है, इस कारण बीच बीच में इधर उधर खिसका भूकंप और सब, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है, ये उठ नहीं रहा है ना, सेट हो गया, हाँ ये सेट हो गया प्रायद्वीपीय पठार, इस हाँ इसलिए इधर कोई भूकंप नहीं आया। सबसे सेफ जोन है छत्तीसगढ़, ना भूकंप ना बाढ़, कभी देखे हो बाढ़ और आ गया पूरा बह गया, क्यों, नदी है लिमिटेड है, बहती नहीं है, वो भी सूखे रहता है, ठीक है। गलती से जैसे शिवनाथ नदी है महानदी में, ये सोच के कि जंपिंग मारोगे, ठीक है, तो आप डाइविंग वहाँ करते थे चल जाता था, इधर ट्राई मत करिएगा। तो भूकंप भी नहीं आता, बाढ़ भी नहीं आता, और आपका समुद्र से एकदम लगा हुआ नहीं है। तो जो उड़ीसा परेशान रहता है, जो इधर तमिलनाडु वगैरह परेशान रहते हैं, जो अंडमान निकोबार परेशान रहता है, तो वो उससे भी बच जाता है, जो साइक्लोन वगैरह आते हैं ना, तूफान, समुद्री तूफान, उससे भी बच जाता है। हालांकि उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन कैसा प्रभाव पड़ता है, उड़ीसा में अगर तूफान आ रहा है तो यहाँ बरसात हो जाती है सुबह से लेकर शाम तक, बस उतना ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन सेफ जोन है छत्तीसगढ़, ठीक, इसलिए सब बाहर से आके बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तो समझ आया क्यों भूकंप नहीं आता और हिमालय में क्यों भूकंप आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, सॉरी उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत। नेक्स्ट लिखना, उत्तर पूर्व में राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, और दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक। ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ तक विस्तृत है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, बराबर। अब देखो ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में ये देख रहे हो अरावली पर्वत श्रेणी, अभी
अरावली प्रवशनी प्रायद्वीपी पठार के संदर्भ में पूछा जाए उसका लोकेशन, ठीक है, तो क्या बताओगे? उत्तर पश्चिम में स्थित है, नीचे वाला प्रायद्वीपी पठार उसके उत्तर पश्चिम में, ये नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है प्रायद्वीपी पठार। कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु, पूरा का पूरा हिस्सा आपका प्रायद्वीपी पठार पेनिनसुलर इंडिया में आता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार बताया, झारखंड वाले एरिया में छोटा नागपुर पठार है, राजमहल की पहाड़ी वहाँ पे, आगे पहाड़ी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक। राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार में, लिख लो बाजू में, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर के पठार में है पार्लियामेंट। कौन सा? नहीं नहीं पार्लियामेंट नहीं है, राजमहल की पहाड़ी में बोल रहे हो? नहीं नहीं तो दिल्ली में है क्या पार्लियामेंट? अभी अनुज घूम रहा है दिल्ली। झारखंड क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र लिखना, झारखंड मतलब झारखंड क्षेत्र। मैं तो उसको बोला बढ़िया एक आध फॉरनर को पकड़ लूँ, एक दिन बीत जाएगा, ठीक है सर देखता हूँ। अच्छा एक दिख गई, रख रहा हूँ सर फोन। ऐसा नेक्स्ट में लेना। अब ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपी पठार के अंदर बोला जाता है, यहाँ पे मैंने बताया गारो खांसी जयंतिया, इसको पूरा का पूरा शिलांग पठार बोला जाता है, मेघालय का भी पठार बोला जाता है। मेघालय क्षेत्र है, ये जो बॉक्स बनता है रेक्टेंगल, ये पूरा का पूरा मेघालय है। इस मेघालय को मेघालय का पठार भी बोल देते हैं, शिलांग का पठार भी बोल देते हैं, ठीक है, शिलांग पठार भी बोलते हैं। अब ये प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है क्या? प्रायद्वीपी पठार का नहीं है, नहीं दिख रहा, मतलब स्वाभाविक सी बात है होगा। कैसे है ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा था, यहाँ तक फैला हुआ था, लेकिन नदियाँ आई, ये जितना इधर सब था काट छाट के इसको मैदान बना दी, बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो है हिस्सा है शिलांग पठार, ये भी प्रायद्वीपी भारत का ही हिस्सा है। इसके बाद जो असम और रेंगमा है, मिकिर और रेंगमा, आगे बताऊंगा, असम में दो और पहाड़ियाँ श्रेणी है, जैसे शिलांग पठार है, गारो खासी जयंती, वैसे मिकिर और रेंगमा भी है, वो भी इसी का हिस्सा है। आगे लिखो नेक्स्ट। मेघालय का शिलांग पठार, मेघालय का शिलांग पठार, शिलांग प्लेट्यू, शिलांग, हाँ शिलांग, शिलांग बोलते हैं ना, शिलांग, हाँ पठार, आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा सर की फरमाइश है आप आगे बैठिए। उनके पीछे बैठने के कारण है वो सबको देख पाती हैं। मेघालय का शिलांग पठार, ब्रैकेट में लिखना गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, जयंती, गारो खासी जयंती है, गारो खासी जयंती, ज य अंति जयंती, हाँ बस वही वाला, गारो खासी जयंती, ब्रैकेट में लिखे मेघालय का शिलांग पठार गारो खासी जयंती, इसी का भाग है, इसी का भाग है, मतलब किसका भाग है? प्रायद्वीपी पठार का, प्रायद्वीपी पठार का लिख रहे हैं, तो प्रायद्वीपी पठार का भाग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उत्तर प्रायद्वीपी पठार, उत्तर प्रायद्वीपी पठार का ढाल उत्तर की ओर है, उत्तर प्रायद्वीपी पठार का ढाल उत्तर की ओर है, स्लोप उत्तर की ओर है। कैसे मालूम उत्तर की ओर है? वैसा नहीं कि वहाँ फिसले तो पहुँच गए, ऐसा नहीं, देखो नदी उत्तर की ओर है तभी तो उत्तर की ओर बह रही है। अगर मैं टाइल्स में पानी डाल दूँ और वो आपके तरफ जाए
मतलब वो कुसुम की ओर है, ठीक है, जिधर है उधर की ओर है ना, मतलब अगर वो उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा पड़ता है, अगर यहाँ पानी बिछाऊँ और पानी डालूँ, उधर बह रहा है मतलब पश्चिम की ओर है उसका ढाल, ठीक उसी प्रकार पानी बह रहा है नदी, मतलब पानी पानी बह रहा है उत्तर की ओर होगी तभी तो उत्तर की ओर बह रहा है, ठीक है। तो उत्तर वाला ढाल उत्तर की ओर है, ये सब सब तरफ है ना, सब तरफ मुँह कर लेता है, सब तरफ बैलेंस बना, जैसे देखो ये वाला हिस्सा इस तरफ बहता है, इधर की नदियाँ इधर वाले हिस्से इधर बहती हैं, उत्तर का ढाल पूछने से उत्तर की ओर है, ठीक। लिखे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी कारण चंबल बेतवा केन सोन टोंस, चंबल कालीसिंध बेतवा केन, इसी कारण चंबल कालीसिंध बेतवा केन, इसी कारण चंबल कालीसिंध बेतवा केन टोंस और सोन, ये सारे नदियां बताया हूँ मैं पहले भी, टोंस और सोन उत्तर की ओर बहती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल की नदी यमुना में कहाँ मिलती है बताया था क्या? इटावा के पास, याद रखा करो। ये ज्योग्राफी का एक कोर एरिया है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जैसे आपको सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ना, सब सब्जेक्ट ऐसे भी पढ़ पाते नहीं, टाइम लगता है, ठीक है। जैसे 2-3 महीने 4 महीने में आपको तैयारी करना है किसी एग्ज़ाम की, तो हर एक सब्जेक्ट का कोर एरिया पकड़ो, जैसे ज्योग्राफी का कोर एरिया नदी पर्वत पहाड़ गिना चुना जहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक उसको पकड़ लिए। पॉलिटी से देखना गिने चुने चैप्टर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राष्ट्रपति हो गए, गिने चुने ऑब्जर्व करते जाओगे ना पुराने क्या पूछ रहे हैं, तो वो सब कोर एरिया हो जाता है। पूरा 100 यूनिट पढ़ने से अच्छा है कि 10 यूनिट पढ़ लो, 10 कोर यूनिट पढ़ लो। साइंस का गिने चुने टॉपिक से बार बार आता है, ठीक है, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री, हिस्ट्री भी मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी आता है, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पूरा पढ़ने से बजाय अच्छा है कि पहले एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, है ना, उसके बाद इसको पढ़ लो। तो ये सारे एरिया कोर एरिया माने जाते हैं ज्योग्राफी के, नदी पर्वत पहाड़ जो अभी तक बताया हूँ, ठीक, ये सबको रटना है अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण, उसी प्रायद्वीपी पठार के अंदर ही लिखना नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ढाल पूर्व की ओर जाती है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ढाल पूर्व की ओर जाती है, पूर्व की ओर जाती है। अब ये कैसे मालूम पूर्व की ओर जाती है, नर्मदा और तापी नदी इधर पूर्व की ओर जाती है ना, बताया था नदी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो प्रायद्वीपी भारत की वो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं नर्मदा और तापी को बार बार, प्रायद्वीपी भारत की वो नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और तापी है, ठीक। तो नर्मदा तापी बह रही पश्चिम की ओर, इसलिए उसका ढाल पश्चिम की ओर है, क्लियर, ओके, ठीक है, पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर ही लिखो उसका, सतपुड़ा के दक्षिण, पूर्व की ओर कहने का मतलब सतपुड़ा के दक्षिण में लगाया ना, सतपुड़ा के दक्षिण का पूर्व की ओर है, तभी ये सारी नदियाँ ये सब इधर बहती हैं, ये जो ऊपर है सतपुड़ा पर्वत के ऊपर ये इधर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक, बोलने में गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाना मेरे से ही आपको, 5 घंटे मेरा ही शक्ल देखना है आपको, देख लोगे, आपका फोकस चेंज हो रहा लग रहा है। ठीक है, मैं इधर पढ़ाता हूँ, नहीं तो मेरा मन लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, बारी बाकी बच्चों को दिक्कत हो जाएगा। लिखना, विंध्यांचल व सतपुड़ा के बीच, विंध्यांचल व सतपुड़ा, विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा भ्रंश घाटी है, नर्मदा भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी को रिफ्ट वैली लिखना, हिंदी वाले भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिख लिया करो, क्या भाषा एक ऐसी चीज़ है, कम सीखो
नहीं कम नहीं भाई, ज़्यादा सीखना है सर, कम सीखो अच्छी बात नहीं रहती, ज़्यादा सीख लो वो अच्छी बात होती है। बाइलिंगुअल बनना है आपको। मैंने बोला विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच नर्मदा ब्रंश घाटी, उस ब्रंश घाटी मतलब क्या होता है, एक तरफ पहाड़ एक तरफ पहाड़, बीच में घाटी नदी। जैसे एक पहाड़ के नीचे देखोगे जाओगे, कभी मन किया कूदने का, ठीक है, सुसाइड पॉइंट वहाँ से देखोगे तो नीचे नदी बहते रहती है, आजू बाजू पर्वत, उसको बोलते हैं ब्रंश घाटी, ठीक है, ब्रंश घाटी रिफ्ट वैली बोला जाता है उसको, ठीक। तो नर्मदा ब्रंश घाटी है, लेकिन इसी में नर्मदा नदी बहती है, इसी में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। फिर लिखना सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती ब्रंश घाटी है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती ब्रंश घाटी है, ताप्ती रिफ्ट वैली है, ब्रंश घाटी सर दक्षिण में साउथ में, अभी मैप में दिखा दूंगा क्या बताना चाह रहा हूँ उसको। ताप्ती रिफ्ट घाटी है, बस उतना ही लिखा है। अब देखो यहाँ तो गोदा गादी हो गया, इसको मिटा रहा हूँ। मैंने ये बताया कि ये विंध्याचल श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी, इधर ध्यान दो भाई, बताता हूँ तो ध्यान दिया करो ना, बात करते आपस में, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ये विंध्याचल श्रेणी ये सतपुड़ा श्रेणी तीन तीन भागों में बटा हुआ है। ये मैंने क्या लिखा है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी घाटी है, ब्रंश घाटी, नर्मदा ब्रंश घाटी, मतलब जो ऊपर पहाड़ है और नीचे नदी बह रही है उसमें कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में ताप्ती ब्रंश घाटी है जहाँ से ताप्ती नदी बहती है। तो ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच नर्मदा ब्रंश घाटी, और ये सतपुड़ा के दक्षिण हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर वाला विंध्य और ये सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के दक्षिण जिसमें ताप्ती नदी बह रही है। अब इसका ढाल क्या होगा, ये दोनों ब्रंश घाटी का ढाल, इधर बह रही है तो इधर बह रही है तो ढाल किधर होगी, ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इन दोनों ब्रंश घाटियों का ढाल, मतलब दोनों ब्रंश घाटी, मतलब नर्मदा ब्रंश घाटी एंड सतपुड़ा ब्रंश घाटी, नर्मदा ब्रंश घाटी एंड ताप्ती ब्रंश घाटी का ढाल पश्चिम की ओर है, वेस्ट साइड है, इसका घाटी पश्चिम की ओर, तभी तो नदी पश्चिम की ओर बह रही है, पूर्व की ओर होता तो पूर्व की ओर बहती इसी। हाँ बोलिए। नहीं नहीं मन्नार की खाड़ी तो नीचे दोस्त, कच्छ गुजरात तरफ जाके बहती है, ठीक है। अब ये ध्यान दो, बाद में लिखा करो आप लोग, एक तो एकदम बाजू में बैठते हो फुसफुसाते हो सीधे कान में आते हैं, ठीक है, फोटो खींच लिया करो नोट्स का, विस्पर, यस उसको जाना, ओके। इसलिए बोला वो ब्रंश घाटी की ढार पश्चिम की ओर है, तभी नर्मदा और तापी इस तरफ बह जाती है, जस्ट उसके नीचे की नदियाँ देखोगे ना, ब्रह्मगिरी से कावेरी निकल रही है, कृष्णा नदी निकल रही है महाबलेश्वर से, उसके नीचे ही तो है क्या, वो जा रही पूर्व की ओर, ये जा रही पश्चिम की ओर। तो उसका बनावट कुछ इस प्रकार है कि एक पश्चिम की ओर नदी बह रही है, एक पूर्व की ओर बह रही है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखना प्रायद्वीपी पठार में ही पश्चिम घाट व पूर्वी घाट को नीलगिरी पर्वत जोड़ती है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को नीलगिरी पर्वत जोड़ती है, नीलगिरी पर्वत जोड़ती है, ये नीचे जो गांठ दिख रहा है कल भी बताया था अभी भी बताया। और नीलगिरी पर्वत का विस्तार कौन कौन से राज्यों में पूछे तो क्या, कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है मालूम है तो लिख लो, उसका विस्तार कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में है, किसका, तो नीलगिरी पर्वत का, ओके, नीलगिरी पहाड़ी नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट हेडिंग डालना मालवा का पठार,
हाँ प्लेट्यू ऑफ मालवा, मालवा मालवा का पठार। मालवा का पठार लिखना। ये अरावली के दक्षिण में और विंध्यांचल के उत्तर में स्थित है, सिचुएटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्यांचल, विंध्यांचल के दक्षिण में और सॉरी अरावली के दक्षिण में और विंध्यांचल के उत्तर में, अरावली के दक्षिण में और विंध्यांचल के उत्तर में। ये देखो ये पूरा आपका मालवा का पठार है, ये अरावली पर्वत है इसके दक्षिण साइड नीचे, और ये विंध्यांचल श्रेणी है इसके उत्तर साइड स्थित है, दिख रहा है मैप में। क्लियर। मालवा के पठार का ढाल उत्तर की ओर है, मालवा के पठार की ढाल उत्तर की ओर है। कैसे मालूम? मालवा के पठार से कौन सी नदी निकल रही है? चार चार मुख्य नदी, चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन, उत्तर की ओर बह रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर की ओर ही उसका झुकाव होगा, इसलिए उसका ढाल उत्तर की ओर है। ठीक। अब देखो अगर धरती का चट्टान से बड़े बड़े चट्टान अलग होंगे ना, तो नीचे गरम गरम लावा, ज्वालामुखी वाले लावा निकलते हैं। ठीक है, एक अलग से विस्फोट हुआ उसकी बात अलग है, और जब धीरे धीरे जैसे अफ्रीका से भारत का ये वाला हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मैंने बताया कि अलग हुआ, तो अंदर से लावा निकला होगा, वो लावा क्या धीरे 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 इस एरिया में पूरे फैल गया। ठीक है, इसी में फैल गया और फैलने के बाद वो जम गया, ठंडा हो गया, तो उस ज्वालामुखी के लावा के जमने से, उसके ठंडे होने से जो चट्टान निर्मित हुआ वही चट्टान क्या है? मालवा का पठार है। तो लिखो पॉइंट नेक्स्ट, इसका निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, निर्माण फॉर्मेशन ना कंस्ट्रक्शन, नहीं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाला, फॉर्मेशन कैसे हुआ? ज्वालामुखी चट्टानों के लावा के जमने से हुआ, ज्वालामुखी के चट्टानों के लावा से जमने से हुआ। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, बेसाल्ट नामक लावा, बेसाल्ट नामक लावा, बेसाल्ट बेसाल्ट सॉल्ट बेसाल्ट, बेसाल्ट नामक लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। सॉरी, हाँ, इसका निर्माण बेसाल्ट नामक लावा के जमने से हुआ, ये बताया था, बेसाल्ट नामक लावा के जमने से हुआ, इसलिए यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो याद रखना बेसाल्ट चट्टान में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, बेसाल्ट नामक लावा, बेसाल्ट लावा के जमने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, कैसे याद रखोगे? काला नमक बोलते हो ना, सॉल्ट मतलब क्या होता है हिंदी में? नमक, तो काला नमक, काला सॉल्ट, काला मिट्टी बेसाल्ट नामक चट्टान में पाई जाती है, याद रखना आगे मिट्टी वाले चैप्टर में काम आएगा। इतना क्लियर, एक दो पॉइंट और लिखते हैं फिर करो। अब क्या है देखो, वेलकम, और इस चंबल के पठार में क्या है, बहुत सारी नदियां बहती थी, खास करके चंबल वगैरह नदी, अब वो नदी सूख गई लेकिन अपना रास्ता छोड़ गई। ठीक है, जैसे
ये आपका इस बीच में नदी बहती थी, इधर ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है, ये खाली जगह है, गड्ढा है, इसी को बोलते बीहड़। तो जो चंबल के डाकू हैं यहाँ अपना घोड़ा वगैरह दौड़ाते थे, ठीक है, यहीं इधर से उधर गए, मतलब कोई पकड़ नहीं पाता था, इस एक तरफ से निकले दूसरे तरफ से घुस गए। तो जो चंबल का पठार में है, सारी नदियों ने मिलकर क्या बना दिया, एक बीहड़ का निर्माण करा दिया, अवनलिका खंड भी बोले जाते हैं, नाली भी बोले जाते हैं, नाली खंड अवनलिका, इंग्लिश में क्या बोलते पता नहीं, ठीक। तो हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, लिखो आगे पॉइंट। चंबल पठार की मुख्य नदी चंबल नदी है, चंबल पठार की मुख्य नदी, यह जो मालवा का पठार है, चंबल पठार में मालवा का पठार की मुख्य नदी चंबल नदी है, मालवा पठार की मुख्य नदी चंबल नदी है, यह बीहड़ का निर्माण करती है। हाँ चंबल को मालवा कर लो, चंबल का पठार भी बोल देते हैं ना उसको, मालवा का पठार पूरा चंबल का क्षेत्र है, चंबल का भी पठार बोलते हैं उसको। यह बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ 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 को इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग, इसे ही अवनलिका नाली या खंड बोलते हैं, अवनलिका अवनलिका कॉमा नाली कॉमा खंड, चलिए क्लास समापन होता है, रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार मैं, ठीक आपको रिवाइज करने के लिए दूंगा, करोगे नहीं, शुरू से बता रहा हूँ, दो मिनट में फ्लैशबैक रिकैप। पश्चिमी घाट देखे सह्याद्री पर्वत विस्तार कितना 1600 किलोमीटर, उसके ऊपर में गुजरात में तीन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गीर बारदा मांडव, पूछे गीर बारदा मांडव पहाड़ी कहाँ है गुजरात में, क्लियर। पश्चिमी घाट की उत्तरी चोटी, सबसे उत्तरी चोटी कालसुबाई जो कि कौन से राज्य में पड़ती है, महाराष्ट्र में, कालसुबाई के ठीक नीचे कौन सी चोटी, महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और मैंने बताया कि एक कालसुबाई की, हालांकि लोकेशन याद नहीं करना है, बट स्टिल कालसुबाई के ऊपर एक दर्रा है थालघाट दर्रा, नीचे एक दर्रा है भोरघाट दर्रा, तो थालघाट के लेफ्ट साइड मुंबई बसा हुआ है, तो मुंबई से आपको नागपुर जाना होता है ना, तो वहाँ से होके गुजरोगे, पहाड़ से तो चढ़ के जाओगे नहीं, ठीक है, उस थालघाट दर्रे से होके गुजरते हैं, मुंबई से नागपुर जाना हो तो, मुंबई से पुणे जाना हो तो जस्ट उसके नीचे एक और दर्रा है पुणे, क्योंकि नीचे पड़ता है, ठीक है, तो भोरघाट दर्रा, ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ेंगे, महाराष्ट्र में पड़ेंगे, इतना क्लियर। उसके बाद नीचे देखे कि वो नीलगिरी घाट का निर्माण करती है कौन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे मिलते हैं और नीलगिरी घाट का निर्माण करते हैं, जस्ट उसके नीचे पलक्कड़ गैप या पालघाट दर्रा, जस्ट उसके नीचे तीन पहाड़ियाँ हैं, एक अन्नामलाई, एक पालनी, एक कार्डमम या इलायची पहाड़ी या इलामलाई पहाड़ी, इलामलाई पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी में कौन सा दर्रा, शेनकोट्टा दर्रा, ठीक है, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ती है, इतना क्लियर देखे थे। उसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी देखे, जो दिल्ली के पालमपुर से, सॉरी गुजरात के पालमपुर है ना, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक फैला हुआ, दिल्ली के मजनू टीला, दिल्ली के मजनू टीला तक फैला हुआ है, सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। इसी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है, जो कि अगर लोकेशन पूछा जाए तो राजस्थान में है, राजस्थान में भी और स्पेसिफिक पूछे तो माउंट आबू के पास है, माउंट आबू के पास ही एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद उसके नीचे चंबल का पठार या मालवा का पठार बुलाता है, उसके जस्ट दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में, उस चंबल के पठार से या मालवा के पठार से चार नदी निकलती है, चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन, टोन सरसों निकलती क्या, नहीं टोन सरसों थोड़ा सा साइड है, क्लियर। उस चंबल के नदी में बनास नदी आके मिलती है जो अरावली को पश्चिम से पूर्व काटती है या पश्चिम से पूर्व और क्रॉस करती है, बनास नदी जो चंबल की सहायक नदी है, और ये सब चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन किस में मिलते हैं, यमुना नदी में, नदी वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, क्लियर। उसके नीचे विंध्य पर्वत, हालांकि अभी पढ़े नहीं है बट स्टिल बता देता हूँ, विंध्याचल जो श्रेणी है तीन अलग अलग भाग में बटा हुआ है, विभा का है, ठीक है, तो वी से विंध्य, ब से भांडेर, क से कैमूर, नीचे सतपुड़ा श्रेणी है, राजपिपला, महादेव, मैकल, विंध्या और
विंध्य श्रेणी, विंध्यांचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सा भ्रंश घाटी है? नर्मदा भ्रंश घाटी, जिसमें कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी भ्रंश घाटी है, इसमें कौन सी नदी बहती है? ये दोनों भ्रंश घाटी का ढाल किस ओर है? पश्चिम की ओर है, ठीक है। उसके अलावा प्रायद्वीपी पठार के उत्तर का ढाल किस तरफ है? उत्तर की ओर है, तभी तो नदी ऊपर में बह रही है। मालवा का मालवा पठार स्पेसिफिक पूछ दिया, मालवा पठार का ढाल किधर है? उत्तर की ओर है, तभी उत्तर की ओर नदियाँ बह रही हैं। इतना क्लियर। उसके बाद और क्या देखें, ठीक है, मेघालय में वो गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, लेफ्ट से जाओगे गारो खासी जयंतियाँ, ये तीन पहाड़ी पड़ती है, तीनों वहाँ की जनजातियाँ पड़ी, गारो में गारो जनजाति है तो उसको गारो पहाड़ी बोले जाते हैं, ठीक है। खासी में खासी, जयंतियाँ में जयंती पहाड़ी, उसके बाद असम का खैर लिखाऊंगा, मिकिर और रिंगमा पहाड़ी। इतना क्लियर। मिलते हैं 9:30 बजे हिंदी का विलोम शब्द। कैसे बोले? ओके, पर्यायवाची एक ही मतलब है? नहीं, एक ही मतलब कहने का मतलब है, जैसे आप लोग वोकैब्स पढ़ोगे, वोकैबलरी, जैसे इंग्लिश में वोकैबलरी, एक दूसरे का मीनिंग मालूमगा तब तो उसका अपोजिट फाइंड आउट करोगे। मैं गुस्सेला हूँ, गुस्सेले के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, और मैं शांत हूँ, शांत के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, तभी तो मालूम रहेगा अपोजिट, सिनोनिम्स मालूम रहेगा, तभी एंटोनिम्स मालूम रहेगा।